तो गाइस उत्तरकाशी में आपका स्वागत है। तो ये उत्तरकाशी का पहला टनल है, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ के बाद हम सीधा उत्तरकाशी में जाएंगे और उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हुए गंगोत्री धाम की तरफ निकलेंगे। हम पीछे से वीडियो थोड़ा सा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और व्यू गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू होने वाला है। रोड भी ज़्यादा वाइड नहीं है, आगे देखते हैं रोड कैसा आएगा। तो थोड़ा सा आगे चलते गाइस, ये उत्तरकाशी स्टार्ट हो चुका है पूरा और यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है गंगोत्री धाम के, बिल्कुल स्ट्रेट ही रास्ता जाएगा। साइड में व्यू आप देख सकते हैं गाइस, पहाड़ पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी से लगभग 2-3 घंटे बता रहे हैं जिनसे ही पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब पता चलेगा रास्ता कैसा है और कितना टाइम हमें लगने वाला है। जैसे उत्तरकाशी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये उत्तरकाशी की टनल आ जाएगी, मेन टनल जो है, इस टनल को हमने क्रॉस करना है। गाइस जो रोड का प्लान बना है गवर्नमेंट का, तो उसमें ना बहुत सारी टनल को इंक्लूड किया गया है। ये पहली टनल है जो ऑपरेशनल है। जैसे हिमाचल साइड आप जाओगे तो वहाँ पे मनाली के पास अटल टनल है, तो वैसे एक टनल है। जैसे हम इस टनल को क्रॉस करते हैं तो कुछ ऐसा व्यू आएगा। अभी हम उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी बहुत बड़ा है, उत्तरकाशी में घूमने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, डैम वगैरह मिल जाएंगे। और ये मेन जो ये आप ये देख रहे हैं ये बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पे मतलब जिनको बसेज वगैरह लेनी है उनको बसेज कैब वगैरह यहीं से मिलेगी और हमें यहाँ से स्ट्रेट जाना है। रोड अभी ज़्यादा वाइड नहीं है और आगे देखते हैं कैसा रोड होने वाला है। और यहाँ से हमें राइट लेना है और एक ये पुल आएगा, लोहे का पुल है। पुल भी गाइस ज़्यादा बड़ा नहीं है, वाइड नहीं है, यहाँ पे एक टाइम में एक ही व्हीकल जा सकता है या आने वाला है जाने वाला। तो यहाँ से हमें आगे चलना है। उत्तरकाशी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है यहाँ से और हम आगे गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और रोड भी ज़्यादा वाइड नहीं है तो इसलिए हो सकता है हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मतलब अगर सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है ना तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो वो आपको रास्ता देंगे या आपको उनको रास्ता देना पड़ेगा। और बराबर में हमारे ना यमुनोत्री नदी बह रही है। और गाइस जो सफ़र है अब देखते हैं कैसा होता है। और यहाँ से 92 किलोमीटर पे गंगोत्री है और हरसिल 68 किलोमीटर पे। हरसिल भी एक देखने लायक जगह है, अच्छी जगह है, वहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग की सारी फैसिलिटी आपको वहाँ मिल जाएगी। गाइस थोड़ा आगे चलने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ये है रजिस्ट्रेशन पॉइंट। चार धाम यात्रा के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर करके आए हैं वो यहाँ पे अपना जो QR कोड है वो उसको दिखाएंगे, उसके बाद ये यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको मेडिकल की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। जिन लोगों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ के थोड़ी प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन वगैरह की, तो उनके लिए भी यहाँ पे कैंप है। गाइस जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये आता है खेड़ी वाटरफॉल। यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया यमुनोत्री जो नदी है, यमुनोत्री माता, यमुना माता, वो यहाँ पे बह रही है और बीच में एक वाटरफॉल टाइप सिस्टम बना रखा है। व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब आवाज़ आप सुन रहे होंगे पानी की और बहुत ही गहरा पानी है यहाँ पे। मतलब जैसे कि आप रुक के सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हैं, जो पिक्चर्स लेने के शौकीन हैं उनके लिए पॉइंट बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही शानदार व्यू है गाइस। तो फाइनली हम यहाँ से आगे बढ़े और देख रहे हैं कि रोड कैसा होने वाला है। रोड तो गाइस वाइड तो कहीं पे भी है नहीं है, नैरो रोड ही हमें मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कर्व भी है। तो गाड़ी को जो भी लेके आ रहे हैं अपनी पर्सनल गाड़ी थोड़ा सा देख के चलाएं। फाइनली गंगोत्री धाम में हमारा स्वागत है, मतलब ये अब यहाँ से गंगोत्री धाम की जो सीमा है वो चालू हो जाती है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, गाँव का एरिया है और रोड ज़्यादा वाइड नहीं है तो गाड़ी को तो बिल्कुल प्यार से ही चलाना है। और ना जो भी आप टर्न करते हो ना तो गाइस प्लीज़ हॉर्न दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना हैवी ड्राइवर है जो कमर्शियल व्हीकल है वो थोड़ा सा ना आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे अगर आप छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो। यहाँ पे बाइकर्स भी आपको मिल जाएंगे और ये देखिए चाय पानी, आपको मैगी वगैरह खानी है रास्ते में, हर जगह आपको मिल जाएगी। 5-7 किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ फैसिलिटी आपको मिलने वाली है और ग्रीनरी तो लाजवाब है। ये देखिए गाइस व्यू तो अल्टीमेट है, पहाड़ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही शानदार व्यू है। गाइज रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मोड़ है यहाँ पे, तो गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाएं क्योंकि राइट साइड में बिल्कुल खाई है, कोई सपोर्ट भी नहीं है। अब हम गांव से टर्न किए हैं, यहाँ पे वही 20 की स्पीड दिखा रखी है लेकिन कोई भी फॉलो नहीं करता। दो गाड़ियाँ गाइज सामने से अगर आ जाए ना, मतलब एक आप जा रहे हो उधर से आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्रॉसिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसलिए गाइस जब भी मोड़ आए ना आप हॉर्न बजा के थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। सामने वाला या तो आपको साइड दे देगा या आप उसको साइड दे दो और जाने दो। रोड क्योंकि ज़्यादा बहुत बढ़िया रोड नहीं है, ये आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मतलब खड्डे भी हैं, काम चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रोड है। मतलब यहाँ पे दो गाड़ी अगर एक टाइम में आते हैं, यहाँ से हमने राइट लेना है, ये पुल आ जाएगा गाइस। पुल थोड़े से वाइड है यहाँ के, जो मिट्टी के पुल बने हुए हैं, ये बुलडोज़र गया है अभी तो हमने इनको साइड दिया है। तो ये देखिए गाइस गांव भी ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ से ना व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सामने बिल्कुल देख रहे होंगे ना, पहाड़ दिख रहा है आपको बर्फ़ से ढका हुआ और रोड देखिए गाइस,
रोड कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, टूटा फूटा सा रोड है, काम चल रहा है हर जगह। थोड़े थोड़े किलोमीटर पे आप 5-7 किलोमीटर पे चलोगे तो आपको दिखेगा कि हर जगह काम चल रहा है। और हर गांव में ना स्टे की फैसिलिटी है, मतलब जो लोग ये होते हैं ना कि हाँ गाड़ी जहाँ तक चलती है चलो बीच में कहीं स्टे कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको सभी गाँव में कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। और रोड तो ज़्यादा अच्छा है नहीं है, तो रात में ना ही ड्राइव करें, मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा, इसलिए हम भी सुबह ही जा रहे हैं। जो गाइस अभी हमें मॉर्निंग का व्यू मिल रहा है ना वो अलग ही है, राइट साइड में यमुनोत्री नदी बह रही है और देखिए गाइस बिल्कुल पहाड़ी पहाड़। रोड इतना अच्छा है नहीं है, ये देखिए पैस थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा ख़राब है, और गाड़ियां ना बिल्कुल स्लो चल रही हैं यहाँ पे, ज़्यादा इतना अच्छा रोड बना नहीं हुआ, काम चल रहा है। ये देखिए बुलडोजर वगैरह देखेंगे, ये फिर मिट्टी का पुल आ गया। जो मिट्टी के पुल जितने भी मिलेंगे ना आपको वो सारे वाइड मिलेंगे, जो लोहे के पुल आएंगे वो थोड़े से कंजेस्टेड है कि एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। ये रोड फिर थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ आ गया, और यहाँ पे आके ना हमें थोड़ी सी फीलिंग आती है मनाली वाली, जैसे मनाली जाते हैं ना तो वहाँ पे पहाड़ ऐसे ही हैं। ये देखिए गाइस रोड का काम हर जगह चल रहा है, जेसीबी बुलडोजर आपको हर जगह मिल जाएगी। और यहाँ से हम देखेंगे, ये देखिए ये लोहे का पुल है, एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, या तो उधर से आएगी या इधर से जाएगी। तो मिट्टी के पुल थोड़े से अच्छे बने हुए हैं, काम चल रहा है, आने वाले टाइम में पुल जो है उनको वाइड करने की प्लानिंग चल रही है। ये सामने लेफ्ट में टनल दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है टनल भी चालू हो जाए। ये देखिए गाइस सामने से ना हमें बिल्कुल पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और हम ना ऊपर जाना है, हमने उन पहाड़ों के पास ही जाना है। तो जो लोग जैकेट वगैरह नहीं लेके आए ना वो अपना जैकेट लेके आए। ये एक मिट्टी का पुल गया, ये भी थोड़ा सा वाइड ही था। रोड ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ कुछ जगह काम चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर रोड थोड़ा सा ख़राब आया है क्योंकि काम चल रहा है, इसलिए बारिश के कारण भी, अभी बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे 2 दिन पहले, तो उसके कारण भी रोडों पे पानी थोड़ा सा हो जाता है, कहीं पे टूटा हुआ है पैच आ जाता है, और कहीं पे रोड अच्छा भी है, साफ भी है। लेकिन गाइज अगर आप व्यू को देखोगे ना तो बहुत ही बेहतरीन व्यू है। ये देखिए फिर ना नैरो रोड चालू हो चुका है, अब गाड़ियाँ अगर सामने से आ रही है ना तो आपको रुक के उनको साइड देनी पड़ेगी या फिर वो आपको साइड देंगे। और जो भी टर्न आते हैं ना प्लीज़ उस पर आप हॉर्न बजाइए, क्योंकि अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे ना तो वो सीधा लेके आएगा, तो गाड़ी आपको बैक करनी पड़ जाएगी, और पीछे कई बार क्या होता है ना सपोर्ट ना हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब गाइज ये हमारे सामने ना गाड़ियाँ चल रही है, अब हम इनको हॉर्न दे रहे हैं ताकि हमें रास्ता दे, पास करें हम इनको। अब बस वाले भैया ने थोड़ा सा रोका है, अब हम इनको पास कर रहे हैं। अगर आप हॉर्न नहीं देंगे ना एक दो हॉर्न से तो गाइज इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये रोड फिर थोड़ा सा ख़राब आ गया है गाइस, यात्रा अभी स्टार्ट हुई है इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन जब यात्रा में बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाएंगे ना तब आई थिंक बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और पीछे हमने बात की थी जाम को लेके, तो उन्होंने कहा था 6-7 घंटे लग जाते हैं, मतलब जो रास्ता आपका 3-4 घंटे का ना उसमें आपको 10-11 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए गाइस फिर यहाँ पे एक लोहे का पुल आया है, और रोड थोड़ा सा ख़राब है, व्यू बहुत है, अल्टीमेट व्यू है, और यहाँ से भी एक टाइम में 2 गाड़ी जा सकती है, मिट्टी का बना हुआ है। गाइज ये सामने फिर आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप मिल जाएगा, और यहाँ से हम फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं रोड आगे कैसा है, कहीं तो रोड ऐसा आएगा जो वाइड होगा, बाइकर्स भी आपको मिल जाएंगे रास्ते पे। और अभी तक तो गाइज ऐसा कुछ रोड आया नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये ना घोड़े आपको नीचे से ऊपर तक मिलेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घोड़े से यात्रा करते हैं, नीचे जो पैदल चल रहे हैं ना, पैदल चलने वाले भी बहुत आते हैं। ये देखिए गाइज फिर सेम ऐसा ही आ गया जैसे मनाली में हम जाते हैं, तो मनाली में भी कुछ इस तरह के पहाड़ों की कटिंग कर रखी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये रोड और ज़्यादा वाइड होने वाला है, रोड फिर टूटा फूटा आ चुका है। रोड पे काम चल रहा है, बारिश के कारण आई थिंक रोका हुआ है, क्योंकि चार धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, इस कारण भी थोड़ा सा रोका हुआ है। सामने दिखेगा इस बिल्कुल सामने पहाड़ गाइज, जो बाहर हवा चल रही है ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी हम रुके थे हमने देखा बहुत ठंडी, और ये गाड़ियाँ ना लाइन से आ रही है, अगर हम इनको साइड नहीं देंगे ना तो जाम लग जाएगा, तो इसलिए साइड देते चलिए, और सामने वाले भी आपको साइड देगा। ये फिर पुल आ गया, यहाँ से देखिए व्यू देखिए गाइस, ये यमुनोत्री नदी, और व्यू कुछ ऐसा है, ऊपर से ऐसा लग रहा है पानी कम है लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा है, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी है, ज़्यादा पूरा भरा नहीं हुआ, जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है तो इसमें पानी छोड़ दिया जाता है, और व्यू बहुत अच्छा है, अभी लोग ज़्यादा नहीं है। और गाइस अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ज़्यादा बंदे हैं 5-10 बंदे हैं, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रैवलर बुक करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गाइज ये जो पुल है लोहे का पुल है, ये बहुत पुराना पुल है, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा पुल है, और हम आगे की तरफ फिर बढ़ रहे हैं, पुल हमने क्रॉस किया और सामने तो दिखने ही लग गए हैं कि हमें पहाड़ों पे बर्फ़ है। अब देखते हैं गाइज कितना और आगे चलना है, बस अब पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। फाइनली गाइज गंगोत्री धाम के हम पार्किंग में जा रहे हैं,
और आपने देख लिया गंगोत्री धाम अगर आप जा रहे हो तो रूट कैसा रहेगा और कैसा रोड होने वाला है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिले रूट को लेके, रोड पता चले, बाई कार जो लोग बाई रोड जो जा रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सकेगी।